हम ओजोन जनरेटर आपके सामने है, इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये है ओजोन जनरेटर, लिखा हुआ है इस पर, देखिए। ऑक्सीजन जनरेटर, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। और जो हमारे पे एसेसरीज हैं, आपके पास ओजोन पाइप है, वाटर वाटर पाइप है, आपका ऑक्सीजन पाइप है। देखिए ये छोटा सा नज़दीक आकर दिखाइए, ये है वेंचुरी, एनआरवी एनआरवी सॉरी, और ये है वेंचुरी। देखिए इसमें रो बना हुआ है, यानी कि इधर से वाटर जाएगा और इधर से निकलेगा, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग इस तरह से चले जा रहे हैं, ओजोन जनरेटर और ऑक्सीजन जनरेटर। देखिए इसमें थोड़ा नज़दीक आइए, देखिए इसमें वाटर इन, वाटर इन में हम क्या करेंगे कि वाटर इन जो 200 LPH का फ्लो हो, नॉर्मल फ्लो, जो टोटी के खोलते हैं ना हम लोग, उससे आ रहा है, जो वाटर वाटर आ रहा है उसको इसमें वाटर इन में पुश कर दीजिए। देखिए मैं पुश कर रहा हूँ, देखिए बहुत आराम से हो जाता है। देखिए पुश कर दिया, देखा आपने। इसको किसी भी जो फ्लो बहुत नॉर्मल फ्लो हो, ग्रेविटेशनल फ्लो हो, उससे पानी देना है, इन हो जाएगा पानी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोड ठंडा होता है सर, ये मस्ट है। इसी प्रकार आपको बगल में देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर आउटपुट जो पानी आप दे रहे हैं वो निकलेगा भी। तो हम लोग इसीलिए एक और पाइप दिया हुआ है आपको, और ये पाइप में आपने पुश कर दिया, देखिए पुश कर दिया। अब ये देखिए, इससे वाटर आपका फ्लो जो आपने इन किया उसी फ्लो से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब सेम हमने ओजोन पाइप लिया, ओजोन पाइप को देखिए, ये लिखा भी है ओजोन आउटपुट, इसको इस ब्लू वाले में लगा दिया आपने, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये ऑक्सीजन में से, ये ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ है। यहाँ से पाइप लगा के, ये पाइप है, और यहाँ पर ओजोन जनरेटर में भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन इनलेट, ये पाइप, ये आपने इसके से पुश कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने सब कुछ लगा दिया है इसमें, और अब बचा हमारा एनआरवी। एनआरवी में क्या है, आप ओजोन पाइप को कट करके, कट किया देखिए इस तरह, मैंने पहले से कट कर रखा है इसको। इसमें भी एरो बना हुआ है सर, देखिए इसमें भी एरो बना हुआ है, यानी कि इधर से जाएगा ऑक्सीजन ओजोन। देखिए मैं लगा रहा हूँ, देखिए देखेंगे, ये लगाया आपने, और दूसरी तरफ से जो पाइप कट रखा हुआ है आपने ये लगा दिया, ठीक है सर, ये लग गया। उसके बाद जो वेंचुरी आपने पाइपलाइन में लगाई रखी है, जो डी बना के मैं भेजूंगा आपको फोटो, इसमें आपको क्या है कि ये वाला पाइप इसमें आपको लगा देना है, देखिए इस तरह लगा देना है, ठीक है सर। ये तो होगा इंस्टॉलेशन, अब हम ऑपरेट कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए हमारा, अब आते हैं हम ओजोन जनरेटर पर। हमने 220 वोल्ट लगा रखा है सिंगल फेस में, हमको देना है जैसे मैंने पहले लगा रखा है। तो देखिए पावर ऑन हो गया है। इसी तरह मैंने ऑक्सीजन जनरेटर का भी 220 वोल्ट लगा रखा है, तो पावर ऑन करते ही ये देखिए बटन ऑन हो गया। देखिए ऑन होते ही देखिए यहाँ पर नॉब है, ये देखिए आपको दिखाई दे होगा, यहाँ गोली सी है, ये आपका पहुँच गया 5 LPM पर, देखिए दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ऑक्सीजन आया और हमारे यहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया देखिए। उसके बाद आपको यहाँ से आपको चेक भी कर लेना है निकाल के, ये कि इसमें से हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए हवा आ रही है, महसूस हो रही है मुझे, ठीक है ना, हवा आ रही है, इसका मतलब इधर से हवा जाई, ऑक्सीजन गई और इधर से आ रही है, यही ओजोन है जो अभी मैं आउटपुट बताऊंगा आपको, ठीक है सर। और जो आपने वाटर इन किया हुआ है, पानी दिया हुआ है, बहुत सिंपली उस पानी को यहाँ से ऑन कर, निकलना भी यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है सर। अब देखिए कि हमने 220 वोल्ट पावर दे रखा है, तो पावर ऑन हो गया है। अब मैं सिस्टम ऑन करूँगा, देखिए आप, और ये ओजोन कंट्रोलर है, ये ओजो, ये ब्लोन फ्यूज़ है और ये फ्यूज है, ठीक है सर। अब आप देखेंगे सिस्टम ऑन मतलब जब मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा। अगर इनकेस कभी फ्यूज हुआ तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी इसकी, ठीक है सर।
अब देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ और ये है ओजोन कंट्रोलर। देखिए ऑन करते ही हमारी पीसीबी एलईडी में लिखा हुआ आता है ओज इंडिया, आपका यानी कस्टमर केयर नंबर भी है, हेल्दी इंडिया, ओजोन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ओज इंडिया 0% यानी कि कंट्रोलर 0 पर रखा हुआ है, ठीक है सर। और ये कितने आवर चल गया जिसकी टेस्टिंग हुई है वो दिखा रहा है और आपके आगे भी दिखाएगा कि कितना है। सिस्टम ऑन हो गया, ठीक है सर। देखिए सिस्टम ऑन भी हो गया, देखिए कोई डिले पॉइंट है, सिस्टम ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा पानी वाटर जो आ रहा है वो इन हो रहा है, इलेक्ट्रोड ठंडा है, इसका मतलब हमने ऑक्सीजन भी दे दिया आपको, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि अभी आपको आएगा कि 0% लिखा हुआ आ रहेगा, यानी कि अभी हमारा जो कंट्रोलर है वो 0 पर है। देखिए अभी आएगा आपको, देखा भी था आपने पहले, 0 आ रहा है। अब मैं धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, देखिए बढ़ा दिया मैंने, फिर आपको आएगा कितना बढ़ाया है वो सेट दिखाई देगा आपको, देखिएगा आप। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि कुछ सेकंड लगते हैं इसमें वेट में, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैंने किया 2% हो गया, यानी कि थोड़ा सा और बढ़ाऊँ मैं, आपको कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी और आपको मन पड़ेगा कि कितना परसेंट चला है। देखिए हमने कितने परसेंट पे कर रखा है इसको, ये देखिएगा। बहुत आसान है इंस्टॉलेशन करना, बस थोड़ा प्रिकॉशन रखना है आपको, ध्यान रखना है। देखिए आएगा 10% कर रखा है, फिर मैंने इसको बढ़ाया, आपको भी करना है इसको। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए 70% या 80% काफ़ी है, और आपको विशेष ध्यान रखना है कि वाटर इन रहना चाहिए इसके अंदर और वाटर इन होके आउट होता रहे, जिससे इलेक्ट्रोड ठंडा रहे। देखिएगा, देखिए 50% हो गया, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा तो दिखाइए मोबाइल से, देखिए 50% हो गया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अब देखिए, देखिए आप देख रहे होंगे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि कितना परसेंटेज हो गया, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अब देखिए 76 सफिशियंट है आपके लिए, इतना काफ़ी है। अब इधर आइए, अब देखिए यहाँ से जो ओजोन निकलेगी जब आप इसे निकाल के देखेंगे तो चेक कर सकते हैं, कुछ अजीब सी होती है, जानते होंगे ओजोन की। आपने ये लिया यहाँ से, इसको लेकर जो सेम सिस्टम पहले बताया था मैंने, आपका जाएगा और वेंचुरी में लग जाएगा, ये पूरा सिस्टम है सर। आप दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा ही रिपीट कर दे रहा हूँ, ये ओजोन चल रहा है, देखिए आप, ये ऑक्सीजन है और जो एसेसरीज हमने बताई थी आपको, एसेसरीज है, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू फॉर इंस्टॉलेशन एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट।